थैंक्स। पार्टनर्स कैपिटल एंड पार्टनर्स करंट, ओके, पीएनएल अप्रोप्रिएशन, जो जो एंट्रीज आनी है, ओके, वही एडजस्टमेंट्स हमें रिकॉर्ड करने हैं, स्टार्टिंग विद द प्रॉफिट। पहले तो प्रॉफिट ट्रांसफर होगा पीएनएल से यहाँ पे, तो बाय नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम पीएनएल, यू कैन ऑल्सो राइट बाय पीएनएल अकाउंट डायरेक्टली, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड अमाउंट वॉज, नेट प्रॉफिट क्वेश्चन समझ में आया? That 30,000 rupees was profits before all the adjustments. Okay. Now, what are the capitals of the partners? What are the capitals of the partners? 50 and 30,000. And they have given that the business was started on 1st January. So since the business has started, so what entry will pass in capital accounts? Bank to capital, right? By balance ke jage by bank. That's 50 and 30, and यहाँ पे आ जाएगा टू बैलेंस सीडी, क्योंकि इसमें अभी आगे कोई चेंज होने वाला नहीं है। जब भी कैपिटल और करंट दोनों मेंटेन होते हैं, ऑल द एंट्रीज गो इन करंट, बिकॉज आपको चेंज नहीं दिखाना है कैपिटल में, इसीलिए आपने करंट ओपन किया है। सिर्फ एक एंट्री और इसमें आएगा कैपिटल में, कौन सा आएगा बता सकते हो? इंसॉल्वेंसी, वो हाँ, वो तो डेफिशिएंसी वाला होता है, इंसॉल्वेंसी डेफिशिएंसी, और ट्रांसफर ऑफ करंट अकाउंट बैलेंस एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। ओके, आप डिसोल्यूशन पे ही पहुंच गए, नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में, नॉर्मल बिजनेस में। गुडविल, गुडविल आल्सो गोज इन करंट। कैश बॉट इन, कैश बॉट इन एज कैपिटल, एडिशनल कैपिटल लाया या कैपिटल विड्रॉ किया, कैपिटल एडिशनल लाया या कैपिटल विड्रॉ किया, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कैपिटल विड्रॉन एंड नॉर्मल ड्रॉइंग्स, क्या है बता सकते हो? कैपिटल विड्रॉन और ड्रॉइंग्स में थोड़ा फर्क। प्रॉफिट्स एंड अदर इज आउट ऑफ कैपिटल। हाँ, किसने बताया, क्या बोला, वापस बोलो। ड्रॉइंग्स इज ऑलवेज आउट ऑफ प्रॉफिट्स, नो कैपिटल विड्रॉन इज आउट ऑफ द मेन अमाउंट, बेस कैपिटल। यस, हमने सिंगल एंट्री में किया था, इफ यू रिमेंबर। सो कैपिटल विड्रॉन और ड्रॉइंग्स में क्या फर्क होता है? ओके, कैपिटल विड्रॉन और ड्रॉइंग्स में ये फर्क होता है कि कैपिटल विड्रॉन इज आउट ऑफ द बेस कैपिटल, तो कैपिटल विड्रॉन दिया तो 50-30 इसमें से विड्रॉ किया हुआ है, बट ड्रॉइंग्स के बारे में कुछ नहीं दिया है। ओके, तो ड्रॉइंग्स आर आउट ऑफ प्रॉफिट्स, ड्रॉइंग्स आर आउट ऑफ प्रॉफिट, जो आपके कैपिटल के ऊपर जमा हुए प्रॉफिट्स हुए हैं उसमें से जो आप घर पे लेके जा रहे हो, दे आर ड्रॉइंग्स। ओके, सो इन जनरल आपको अगर दोनों दे दिया है सब में, कैपिटल इंट्रोड्यूस, कैपिटल विड्रॉन, ड्रॉइंग्स, तो याद रखना कैपिटल विड्रॉन एंड कैपिटल इंट्रोड्यूस, दैट एंट्री विल कम इन कैपिटल, बेस कैपिटल, एंड ड्रॉइंग्स वाला एंट्री विल गो इन करंट अकाउंट। उधर सब ऊपर का मिर्ची मसाला पड़ा हुआ है, ड्रॉइंग्स है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरी टू पार्टनर है, प्रॉफिट ट्रांसफर्ड है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है, ये सब आपका करंट अकाउंट में दिखेगा। ओके, कैपिटल इंट्रोड्यूस, कैपिटल विड्रॉन, बेस अमाउंट दैट गोज इन योर कैपिटल अकाउंट, रिमेंबर दैट। सो नाउ करंट अकाउंट, करंट अकाउंट में कुछ बैलेंस तो दिया नहीं है, स्टार्ट किया है तो इधर ड्रॉइंग्स और प्रॉफिट और यही जाएगा। तो चलो एडजस्टमेंट करते हैं शुरू। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, रहीम इज एंटायर, अभी डीड है वहां पे नीचे दिया हुआ है। ओके, अज्यूमिंग दैट द कैपिटल्स आर फिक्स्ड, उसके ऊपर द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर बिफोर अलाउिंग फॉर द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप डीड, सो इट्स अ डीड, डीड इज देयर, रहीम इज एंटाइटल टू अ सैलरी ऑफ 400 पर मंथ, तो व्हाट एंट्री वी पास पीएनएल अप्रोप्रिएशन में, टू रहीम करंट, नॉट रहीम कैपिटल, रहीम कैपिटल, रहीम करंट, 400 पर मंथ, तो 400 इंटू 12 दैट इज 4800, बराबर है, एंड करंट में जाएगा बाय पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, दिस इज सैलरी टू रहीम, रहीम के कॉलम में 4800, देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आर एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आर एट 6%, ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी इधर आ जाएगा, टू राम करंट, टू रहीम करंट, दिस इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6%। नाउ कैपिटल दिया भी है डेट, इट इज देयर सिंस द बिगिनिंग, सो यू कैलकुलेट इट फॉर फुल ईयर ऑब्वियसली, सो 50,000 पे 6% फॉर फुल ईयर इज 3,000, 30,000 पे 6% फॉर फुल ईयर इज 1,800, सो दैट्स 4,800, corresponding entry current में ही जाएगा by PNL appropriation,
this is interest on capital 3000 and 1800. Then we have interest on drawings. लेकिन उसके लिए drawings पता होना चाहिए. Drawings भी आपका current में चला जाएगा. Two drawings. Entries drawings to cash and then current to drawings. That is 8000 and 10000. 8000 and 10000. Okay. एंड ड्रॉइंग्स का इंटरेस्ट तो क्रेडिट हो जाएगा अपना पी एन एल के जगह पी एन एल अप्रोप्रिएशन में बाय राम करंट एंड बाय रहीम करंट. दिस इज योर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स. अभी ड्रॉइंग्स का फंडा याद है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स टेक इट फॉर 12 मंथ्स और 6 मंथ्स. नथिंग इज गिवन देन द ड्रॉइंग्स आर इवनली स्प्रेड थ्रू आउट द ईयर. 8000 पे 6% फॉर 6 मंथ्स दैट्स 240. And 10,000 pay 6% for 6 months. Are made here, na? Sorry. It is assumed that the drawings are made at the end of the year. नहीं वो खाली हमने interest on capital वाले सब में एक बार लिखा था वैसे. Always assume that drawings are evenly spread throughout the year. Okay? But वो नहीं भी लिखा वो end वाला assumption तो चलेगा उस समय मैंने बोला ना आपको. Drawings are in anticipation of profits. So capital withdraw नहीं किया है. Capital तो शुरू से एंड तक पड़ा हुआ ही है. Drawings का general assumption है कि आपने evenly distribute करके withdraw किया है उसको. ये भी हम लोग अभी आज सीखने वाले हैं drawings का interest detail में. इसके बाद ही वो करवा रहा हूँ. So, interest on drawings by Ram's current का हो जाएगा. Ram current में to P&L appropriation. This is interest on drawings. That is 240 and 300. 6 महीना लेना. No information is given. Equally distributed. And then that's it. खत्म हो गया I think. कितना आ रहा है profit? Anyone has calculated? बोलो. 10470. Sorry? 10470. प्रॉफिट है 10470. हाउ कम 10470 आ रहा है मेरे को. 20940 आ रहा है. हां 20940 आएगा ना. क्या क्या है 0940 यार और कुछ तो है नहीं बस इतना ही है. 30540 इज द टोटल बराबर है माइनस द क्रेडिट डेबिट साइड. कितना आ रहा है 20940 आ रहा है. इसको डिवाइड करना है. रेशियो क्या दिया हुआ है आपको. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज गिवन टू यू. ना था इक्वली दिया है ना. कुछ नहीं दिया है क्या. इक्वल है कुछ नहीं दिया. इक्वली दिया हुआ है डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली दिया हुआ है. सो 10470 आ रहा है. अच्छा 10470 वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल प्रॉफिट श्रद्धा. ओके सो 10470 तो करंट में जाएगा बाय पीएनएल अप्रोप्रिएशन. परफेक्ट. 10470 दैट्स योर प्रॉफिट. एंड संप्ला गेट द बैलेंस of current. This is 10470 plus 10470. ना आ रहा है ये. इधर 13470 आएगा. इधर 13470. सर नॉर्मल ड्राइंग्स अप्रोप्रिएशन में नहीं आएगा. ड्राइंग्स कैसा अप्रोप्रिएशन में आएगा. व्हाट इज द एंट्री फॉर ड्राइंग्स. Drawings to cash. Cash में जाएगा corresponding entry. Appropriation shows your expense and income. Drawings are not expense incomes. Withdrawal, reduction of capital. तुम्हारा लेके गया business में से पैसा. It's a payment from the business, not an income or an expense. ये कितना आ रहा है?
And what's your balance? यहाँ पे कितना है? 52,230. और इसका? 6,770. बस, to balance CD. That's your current account. तो थोड़ी चीजें आपको basics, okay? जो आपने 11th में भी किया, 12th में भी किया, capital में, current में. Drawings का दूसरा effect is in cash. बाकी सब expense और income थे. खाली PNL के जगह PNL appropriation में चला गया. Now, how do you calculate interest on capital? Interest on capital आप कितने महीने का लेते हो? बोलो. Normally, interest on capital you take it for 12 months, right? And interest on drawings you take it for 6 months. Okay. What is the reason for that interest of drawings being 6 months? Do you know that? What do you mean by even distribution? Every month same amount withdraw kiya rahega. Correct. Every month same amount withdraw kiya rahega. To right? So, agar aapka drawings hai saal ka 2400, to aap kya assume karoge? Har mahine 200 rupees withdraw hua hai, right? हर महीने 200 रुपया विड्रॉ हुआ है. दिस इज व्हाट यू अज्यूम. अग्री? सो दैट्स व्हाई वी डिवाइड, वी एवरेज दोज ड्रॉइंग्स बाय डिवाइडिंग बाय टू. ओके, सपोज आपका रेट ऑफ ड्रॉइंग, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8% ऑन ड्रॉइंग्स. तो इसका लॉजिक क्या हुआ, जो पहला वाला जनवरी का ड्रॉइंग है वो फर्स्ट डेट पे निकल चुका है तो 12 महीने का इंटरेस्ट लगेगा. फिर दूसरा वाला है उस पर 11 महीने का लगेगा. तीसरा वाला है उस पर 10 महीना. चौथा वाला 200 पे 9 महीना, फिर 8 महीना और फिर 7 महीना. तो ये सब का इंडिविजुअल इंटरेस्ट आप करोगे कैलकुलेट. ये समझा आपको लॉजिक? पार्टनर बिजनेस से पहला 200 रुपया फर्स्ट डेट पे लेके गया तो 200 रुपया उसके पास पड़ा हुआ है 12 महीने तक, तो 12 महीने का इंटरेस्ट देगा ना 200 रुपये पे. इंटरेस्ट का लॉजिक क्या है? जितना पैसा जितने टाइम के लिए यूज किया. दूसरा 11 महीने का, 11 महीने के लिए उसने 200 यूज किया तो 200 पे 11 मंथ्स का इंटरेस्ट देगा. तीसरा 200 पे 10 मंथ्स का इंटरेस्ट देगा. चौथा 200 पे 9 मंथ्स का इंटरेस्ट देगा. ऐसे करके 6, 5, 4, 3, 2, 1 ये सब का जो आंसर मिलेगा आपको सब एडलेस करके, दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू दिस अमाउंट 2400 into 8/100 into 6.5/12. Why have I taken 6.5 and why not 6 months? Normally आप कितना लेते हो? 6 months लेते हो? Interest on drawings पे 6 months लेते हो? वो 6 months का logic क्या है? थोड़ा 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 आपने withdraw किया है, right? अब मैंने आपको क्या बोला यहाँ पे, इसने फर्स्ट जनवरी को 200 निकाला है तो अगर वो फर्स्ट ऑफ मंथ को, फर्स्ट फेब, फर्स्ट मार्च, फर्स्ट अप्रैल, फर्स्ट मई, फर्स्ट जून ऐसे करके विड्रॉ कर रहा है तो आप 6 months नहीं लोगे, आप 6.5 months ले लोगे. अब क्या ले लोगे? 6.5 months ले लोगे. ये 6.5 month का जो आंसर आएगा आपको, ये एवरेज आउट करके आंसर दिया हुआ है. ये 6.5 month का इसका लॉजिक भी बहुत सिंपल है. देखो पहला 12 मंथ्स का इंटरेस्ट 200 पे आएगा, दूसरा 11 मंथ्स का 200 पे आएगा, ऐसा हो रहा है, राइट? तो 200 तो कॉमन है यहाँ पे, तो मैं क्या करूंगा, 200 into 8/100 into हाउ मेनी मंथ्स, मंथ्स को सब जोड़ दूंगा तो क्या होता है आपका 12 + 11 + 9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1. व्हाट्स योर समेशन ऑफ 12 टू 1? कितना आएगा आपका 11 into 6, 66 + 12, 78 upon 12 आएगा आपको, राइट?
तो इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग 200 रुपीस पे 78 मंथ्स का इंटरेस्ट, व्हाट आई कैन डू इज आई कैन मल्टीप्लाई दिस बाय 12 एंड डिवाइड दिस बाय 12. बात तो एक ही हुआ, 200 इंटू 12 करो तो कितना मिला, 2400 इंटू 8 अपॉन 100 इंटू 78 अपॉन 12 करो, यू शुड गेट 6.5. आर यू गेटिंग दिस? तो अगर आपका ड्रॉइंग्स फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ को हो रहा है तो आप 6 मंथ्स नहीं लोगे, आप कितना लोगे, 6.5 लोगे. वैसे ही अगर आपने लास्ट डेट ऑफ एवरी मंथ विड्रॉ किया है, आपने अगर लास्ट डेट ऑफ एवरी मंथ विड्रॉ किया है, तो आपने पहली ड्रॉइंग्स कब की है, 31st जैन को की है, फिर 28th फेब, फिर 31st मार्च, फिर 30 अप्रैल, फिर 31st मई, फिर 30 जून, फिर 31st जुलाई, 31st अगस्त, 30 सितंबर, 31st अक्टूबर, 30 नवंबर, 31st दिसंबर, ऐसा किया आपने. अब क्या होगा, आपका पहला जो ड्रॉइंग्स है वो 31st जनवरी को हुआ है, फाइनल अकाउंट्स 31st दिसंबर को बन रहा है. तो पहला ड्रॉइंग्स पे कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा आपका, 12 महीने का कि 11 महीने का? 11 महीने. 11. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो आपका कैलकुलेशन यहां से शुरू होगा, 11, 10, 9, 8, 7. और जो लास्ट ड्रॉइंग होगा ना उस पर इंटरेस्ट ही नहीं लगा क्योंकि वो लास्ट डेट पे विड्रॉ किया है, 31st दिसंबर को ड्रॉइंग्स हुआ है. आर यू गेटिंग दिस लॉजिक ऑफ ड्रॉइंग? पार्टनर ने जो जो विड्रॉ किया उस पर पार्टनर इज सपोज टू गिव इंटरेस्ट टू द बिजनेस, राइट? So on what basis he will pay interest? On the basis of the period used. So first 200 in this case he has used it for 11 months. Second 200 he has used it for 10 months. Third 200 he has used it for 9 months and so on and so forth. Because you are withdrawing on the last date of the month. Are you understanding? So here what should change now? Here it should be 200 into 8 upon 100 into... What will be the summation 66. From 1 to 11? 66. 66 hoga divided by 12. So instead of calculating on 1200, what I can do? I can multiply this by 12. I can multiply this by 12. Answer will not change. So what am I getting this? 2400 into 8 by 100 into what is 66 upon 12? You will get 5.5. 5.5. So why do we do always 6 months then, yaar? Pehle beginning of the month kiya to 6.5 mila. End of the month kiya to 5.5 months mila. Assume beech mein liya hai. 15th. Assume middle of the month drawings hai. 15th of every month withdraw ho raha hai. Ab wo calculation main aap pe chhod raha hu. Aap log ghar pe baith ke aaram se karna. To aap jab 6 mahina lete ho, to 6 mahina lete ho. तो इसका मतलब क्या है, आपने हर महीने के 15 तारीख को विड्रॉ किया है. दैट इज द लॉजिक. आपने हर महीने के 15 तारीख को विड्रॉ किया है तो पहला जो 200 रुपया होगा ना उस पर 11.5 महीने का ब्याज चढ़ेगा, 11.5 मंथ का चढ़ेगा, क्योंकि 15th जनवरी से लेके 31st दिसंबर. आर यू गेटिंग दिस? दूसरा जो होगा 200 उस पर 10.5 मंथ, तीसरे वाले पे 9.5, चौथे वाले पे 8.5, 7.5, 6.5 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. लास्ट वाले ड्रॉइंग्स पे 15 दिन, 15 डेज, हाफ मंथ. सो व्हेन यू विल ऐड ऑल दोस थिंग्स, ऑल दोस समेशन विल गेट 72 एंड 72 अपॉन 12 विल गिव यू 6. दैट्स व्हाई यू टेक 6 मंथ्स. दैट्स व्हाई यू टेक 6 मंथ्स. डिड यू अंडरस्टैंड दिस लॉजिक ऑफ ड्रॉइंग्स? प्रैक्टिकली आपको ये टेंशन लेने की जरा भी जरूरत नहीं, कत्ते ही जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको एग्जैक्टली पता होता है कि पार्टनर ने कौन से डेट पे ड्रॉइंग्स की है. तो बनिया लॉजिक लगाने का, पार्टनर ने अगर 1 अप्रैल को ड्रॉइंग्स किया है तो 9 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करो, सिंपल. पार्टनर ने अगर 1 जुलाई को ड्रॉइंग्स किया तो 6 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करो. आपको पता है ना उसने 10,000 रुपए 1 अप्रैल को निकाले हैं तो 10,000 पे 9 महीने का इंटरेस्ट. उसने 6,000 रुपए 1 जुलाई को विड्रॉ किए तो 6,000 रुपए पे 6 महीने का इंटरेस्ट लगा दो. प्रैक्टिकली तो आपके पास डेटा अवेलेबल है, ये सिर्फ थियोरिटिकल अजम्पशन. अगर वो लोग ने फर्स्ट डेट ऑफ द मंथ दिया है तो 6.5, लास्ट डेट ऑफ द मंथ दिया तो 5.5, कुछ नहीं दिया है तो 6 मंथ्स. अच्छा, ऐसा भी दे सकते हैं कि ही विड्रू इवनली ऑन द फर्स्ट डेट ऑफ एवरी क्वार्टर. नाउ देयर आर हाउ मेनी क्वार्टर्स?
3 quarters. This is not Daru. Four. Year में भी चार होते हैं, ठीक है? So there are 4 quarters in a year, okay? So 4 quarters make a whole year. 3 months का quarters होता है, right? So अगर उसने first of every quarter withdraw किया, suppose his total drawings are same example 2400, but 2400 उसने evenly throughout the quarters किया. तो फर्स्ट क्वार्टर मतलब जैन फेब मार्च फर्स्ट जैन को ही हैज विड्रॉन 600 ऑन फर्स्ट ऑफ जैन, ही हैज विड्रॉन 600 ऑन फर्स्ट ऑफ अप्रैल, ही हैज विड्रॉन 600 ऑन फर्स्ट ऑफ जुलाई एंड ही हैज विड्रॉन 600 ऑफ अक्टूबर. तो पहला 600 पे 12 महीना, दूसरा 600 पे 9 महीना, तीसरा 600 पे 6 महीना और चौथा 600 पे 3 महीना, ऐसा ब्याज कैलकुलेटर. आर यू गेटिंग दिस? तो कैसा होगा कैलकुलेशन आपका? 200 rupees उसने विड्रॉ, नहीं कितना, 600 विड्रॉ किया. He has withdrawn 600 rupees. He has withdrawn 600 rupees at the rate of 8%. Total months कर दूंगा सबका साथ में. पहला 600 पे 12 महीना, फिर 9 महीना, फिर 6 महीना, फिर 3 महीना. What is the total? 12 + 9 + 6 + 3. 30 upon 12. What I can do is I can multiply this by 4 to make it 2400. I can divide this by 4. So what do I get? 12,400 का 8% for 7.5 months. So if you withdraw it at the beginning of each quarter, if you withdraw it at the beginning of each quarter, if the drawings are evenly spread at the beginning of each quarter, then what's your months? 7.5. Did you get it? Sir, ये quarter वाले वापस समझा. Quarter वाले का मतलब तुमने 2400 total drawings है. वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर क्वार्टर्स है, नॉट ओवर मंथ्स. मतलब तुमने फर्स्ट क्वार्टर के बिगिनिंग में 600 विड्रॉ किया, तो 600 rupees यू हैव इट फ्रॉम 1st January टिल 31st December ना, सो यू विल पे इंटरेस्ट फॉर 12 मंथ्स ऑन दोस 600. सेकंड 600 यू हैव विड्रॉन ऑन 1st April, सेकंड 600 यू हैव विड्रॉन ऑन 1st April, थर्ड 600 यू हैव विड्रॉन ऑन 1st July एंड फोर्थ 600 यू हैव विड्रॉन ऑन 1st October. So first 600 will have interest for full 12 months, second 600 pe 9 mahina, third 600 pe 6 mahina aur fourth 600 pe 3 mahina. So aap individually bhi kar sakte ho, 600 into 8% for 12 months, 600 into 8% for 9 months, 600 into 8% for 6 months, 600 into 8% for 3 months. Lekin 600 common hai, 8% common hai, to mansar kar do, answer to wahi milega. तो मैंने वही किया, 600 पे 8% फॉर 30 मंथ्स, 12 + 9 + 6 + 3 दैट इज 30. और फिर मैंने क्या किया, इसी इक्वेशन को थोड़ा सा टिल्ट किया, इधर मल्टीप्लाई बाय 4 किया, इधर डिवाइड बाय 4 किया. तो 2400 रुपया टोटल ड्रॉइंग्स चाहिए ना अपने को. टोटल ड्रॉइंग्स पे कितना महीने का करोगे? 7.5 months. डिड यू अंडरस्टैंड? यस. जैसे बिगिनिंग ऑफ द मंथ था, एवरी मंथ के बिगिनिंग में था तो 6.5 था, एंड ऑफ द मंथ था तो 5.5 था, मिडल ऑफ द मंथ था तो 6 था, बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर था तो 7.5 था, एंड ऑफ द क्वार्टर होगा तो क्या होगा? एंड ऑफ द क्वार्टर होगा तो क्या होगा? एंड ऑफ द क्वार्टर 6 months और 3 months और लास्ट में कुछ इंटरेस्ट नहीं. हाँ हाँ, 9 months, 6 months, 3 months और लास्ट में कुछ इंटरेस्ट नहीं. तो कैसे करोगे आप? 200 पे 8% for 9 months, 6 months, 3 months, what is the total? 18 by 12. So what will I do? Not 200, sorry. Since it is quarter, it is 600. Monthly hota hai to 200 ho jata hai aapka 12. Quarter hai to 600 karke 2400 hua hoga. So into 4 karunga to 24 and in, divide by 4 kar du. So kya milega aapko? 2400 into 8 by 100 into what? 4.5 by 12. So ये आपका शॉर्टकट है सर. एंड ऑफ क्वार्टर में तो 10-7 हुआ ना. एंड ऑफ क्वार्टर 31 मार्च को पहला ड्रॉइंग्स हुआ है, तो 9 महीना वापस रहा है ना, अप्रैल से लेकर दिसंबर तक पैसा यूज किया है. पहला 600 पे 9 महीने का इंटरेस्ट चढ़ेगा, दूसरा 600 उसने जून एंड पे विड्रॉ किया, तो जुलाई से लगेगा ना इंटरेस्ट, एंड ऑफ क्वार्टर. तीसरा उसने सितंबर एंड में विड्रॉ किया और चौथा उसने दिसंबर 31 को विड्रॉ किया. तो पहला वाला 600 पे 9 मंथ्स का इंटरेस्ट, दूसरा वाला 600 पे 6 मंथ्स का इंटरेस्ट, तीसरा वाला 600 पे 3 मंथ का इंटरेस्ट. तो टोटल कितना महीना हुआ? 600 रुपए पे 18 महीने का इंटरेस्ट. बट
600 रुपए पे 18 महीना इज इक्विवेलेंट टू 2400 पे 4.5 मंथ्स. इट इज वन एंड द सेम. ये अगेन थियोरिटिकल अजम्पशन है. ये कब अप्लाई करना है आपको? जब आपको क्वेश्चन में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया. इतना बोला है कि ड्रॉइंग्स वर मेड ऑन द फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ. ड्रॉइंग्स वर मेड ऑन द फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ. तो टोटल ड्रॉइंग्स पे सीधा 6.5. 7.5. फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ. मंथ अच्छा अच्छा. फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ है. इवनली थ्रू आउट द मंथ तो 6.5. फर्स्ट ऑफ एवरी क्वार्टर है तो 7.5. एंड ऑफ एवरी मंथ है तो 5.5. एंड ऑफ एवरी क्वार्टर है तो 4.5. एंड कुछ नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ ड्रॉइंग्स. जैसे हमने यहाँ पे किया, कुछ भी नहीं दिया था. ये सब में ड्रॉइंग्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द ईयर. सिक्स मंथ फ्लैट. अज्यूम इट इज ऑन द 15th ऑफ एवरी मंथ. अज्यूम इट इज ऑन द 15th ऑफ एवरी. बनिया लॉजिक ऑफ इंटरेस्ट है, कुछ नहीं है, खाली उसका शॉर्टकट फॉर्मूला बनाया गया है. सर तो फिर वो लास्ट वाले एग्जांपल में मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 3 क्यों नहीं आ सकता? बिकॉज़ लास्ट वाले में तो इंटरेस्ट आएगा ही नहीं ना. ये वाले में? हाँ, ये वाले में ना. हाँ, हाँ, तो लास्ट वाले में हाँ नहीं आएगा. बट हम लोग ये टोटल ड्रॉइंग्स देखते हैं ना कभी भी. अभी आपको तो सब में टोटल ड्रॉइंग्स दे देगा, तो आप किधर फिर वो डिवाइड करते बैठोगे? ये मैंने आपको सब फॉर्मूला दिया है ना, ये टोटल ड्रॉइंग्स का है. दिख रहा है? सब में मैंने इधर टोटल ड्रॉइंग 2400, इधर भी 2400, इधर भी 2400. कैन यू सी दैट? सम में तो यू विल बी गिवन टोटल ड्रॉइंग्स 2400, 2400, इधर भी 2400. तो वेयर यू विल कीप ऑन थिंकिंग के लास्ट डेट पे है तो लास्ट वाले पे नहीं है तो 3 से करो, और फिर वहां पे वापस न्यूमरेटर चेंज करो. ये फुल ड्रॉइंग्स का, टोटल ड्रॉइंग्स का शॉर्टकट है सबका. जो आपने अभी तक एक शॉर्टकट अप्लाई किया 12th स्टैंडर्ड में, वो दैट वाज 6 मंथ्स. दैट वाज 6 मंथ्स बिकॉज़ यू अज्यूम दैट इट वाज ऑन द 15th ऑफ एवरी मंथ. नाउ इफ दे गिव यू ऑन द 1st ऑफ एवरी मंथ, स्टिल यू टेक टोटल ड्रॉइंग्स, जस्ट चेंज द न्यूमरेटर टू 6.5 इन केस ऑफ मंथ्स. इफ दे टेल यू एंड ऑफ द मंथ, कीप द टोटल ड्रॉइंग सेम, जस्ट चेंज योर न्यूमरेटर टू 5.5. If they tell you in the first beginning of first of every quarter, then keep the total drawing same, but you multiply numerator, make it 7.5. End of the quarter, keep your total drawing same. All the cases, total drawing same, and make your numerator 4.5. These are the shortcut months to remember. Got it? What is the logic behind that? You got it? Baniya logic of interest. कितना पैसा कितने time के लिए वापरा, उस पे interest. और वो करके आप देखोगे तो यही आंसर मिलेगा. ये शॉर्टकट है, ठीक है? अब एक और चीज आपको समझनी है. याद है, क्लियर हुआ सब? ड्राइंग्स का इंटरेस्ट. अभी कैपिटल. कैपिटल में कभी कभी आपको पता है सम में दिया होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इन द रेशियो ऑफ कैपिटल्स. और प्रैक्टिकल बिजनेस में ज्यादातर 99% द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इन द रेशियो ऑफ कैपिटल. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इन द रेशियो ऑफ कैपिटल, क्योंकि दैट मेक्स सेंस. आप कोई पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हो, ए बी सी देर आर थ्री पार्टनर्स. ए ने इन्वेस्ट किया है 2 लाख, बी ने इन्वेस्ट किया 50,000, सी ने इन्वेस्ट किया 20,000. शुड दे शेयर प्रॉफिट्स और लॉसेस इक्वली? व्हाट डू यू थिंक? दे शुडंट. ऑब्वियसली दे विल मेक एन अग्रीमेंट वेर दे विल सी टू इट दैट ए शुड गेट द मैक्सिमम शेयर ऑफ प्रॉफिट, बी शुड गेट द सेकेंडरी, एंड सी शुड गेट द टर्शियरी शेयर ऑफ प्रॉफिट. Why? जिसने जितना ज्यादा पैसा लगाया उसको ज्यादा रिटर्न मिलना चाहिए, स्वाभाविक है. तो प्रैक्टिकल बिजनेस में आपका प्रॉफिट 99% विल बी इन द प्रॉफिट शेयरिंग. कोई ऐसा सर्कमस्टेंस होगा जब ऐसी सिचुएशन में भी प्रॉफिट इक्वली जा रहा है आपका. ऐसे कब हो सकता है? कोई बहुत इन्फ्लुएंशियल पार्टनर है, या कोई बहुत ही बिजनेस कनेक्शन वाला पार्टनर है जो कैपिटल कम डाल रहा है लेकिन अपनी गुडविल से वो क्लाइंट्स ला रहा है, तो फिर उसको ज्यादा शेयर ऑफ प्रॉफिट हम लोग दे. बट अदरवाइज 99% situations, आपका प्रॉफिट विल बी इन द कैपिटल रेशियो प्रैक्टिकली. हाँ, प्रैक्टिकली. थियोरी में आपको क्वेश्चन में देखने का है, और अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो पार्टनरशिप एक्ट को अप्लाई करके इक्वली अप्लाई करना है. डिड यू अंडरस्टैंड? प्रैक्टिकली आपका कैपिटल रेशियो में होता है, ठीक है? तो यहां पर आपका प्रॉफिट अगर देखा जाए तो कौन से रेशियो में डिवाइड होगा, बता सकते हो? 10:2.5:1. इजी वाला आंसर बोल. 20:5:2 करेक्ट है ना? राउंड ऑफ कर दिया मैंने, बराबर है.
सो 20:5:2 में होना चाहिए आपका प्रॉफिट्स लॉसेस शेयर, राइट राइट राइट, अग्री ऑल ऑफ यू? ओके, नाउ टेक अनदर एग्जांपल, देयर आर टू पार्टनर्स ए एंड बी, थोड़ा इजी लेते हैं, इसका कैपिटल 50,000, इसका कैपिटल 50,000, टेल मी द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इफ द कैपिटल्स आर, if the profit sharing ratio is in the proportion of capital. 1:1 agree all of you? Agar aapka profit sharing ratio is in the ratio of capital, you will tell this is 1:1 agree? Now if I give you some additional data, aapka year ending is December. A ne introduce kiya hai capital in the month of Jan, B ne introduce kiya hai capital on 1st December. Ye Jan 1st ko introduce kiya, ye 1st December ko introduce kiya. And your profit sharing ratio is in the ratio of capital. Still 1:1? No. Haan. Haan. So, kya karoge aap? Profit sharing in the ratio of the time ke upar le lenge. Time, kitna time invest kiya. Haan. To us ratio mein karna padega. Kitna time, right? Because it matters. Yaar, A ne to 12 mahine se 50,000 padha hua hai. Uska business mein. और बी खाली दिसंबर में 50,000 लाया और दोनों को आप सेम दे दोगे शेयर ऑफ प्रॉफिट, इज इट लॉजिकल? नो इट्स नॉट. सो व्हाट वी विल डू, व्हाट वी विल कैलकुलेट वेटेड एवरेज कैपिटल, वी विल कैलकुलेट वेटेड एवरेज कैपिटल. व्हाट इज वेटेड एवरेज कैपिटल? सिंपल सा फॉर्मूला है वेटेड एवरेज कैपिटल का, इट इज कैपिटल इनटू मंथ्स, कैपिटल यूटिलाइज्ड इनटू मंथ्स, कैपिटल यूटिलाइज्ड इनटू मंथ्स. बेसिकली इसने 50,000 12 महीने के लिए रखा है तो इसका वेटेड एवरेज कैपिटल 6,00,000 हुआ, और इसने 50,000 एक महीने के लिए रखा है तो इसका वेटेड एवरेज कैपिटल हुआ 50. ये होगा आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दैट इज 12:1. सो दिस इज योर कैपिटल रेशियो 12:1. तो फाइनल अकाउंट्स के सम में जब भी अपने को कैपिटल रेशियो आता था, हम तो सीधा कैपिटल उठा के कर लेते थे. ऐसा क्यों? फर्स्ट डेट पे सबका कैपिटल आया है, सबका कैपिटल सेम टाइम के लिए पड़ा हुआ है, राइट? तो इसमें आप वेटेड एवरेज इसमें भी कर सकते हो. ये अगर आपका दोनों का फर्स्ट डेट पे आया होता, फर्स्ट फर्स्ट, तो इसका भी वेटेड एवरेज 6,00,000, इसका भी वेटेड एवरेज 6,00,000, है कि नहीं? 15:12, 15:12, 6,00,000, 6,00,000. तो एक्चुअली आप हमेशा वेटेड एवरेज में ही करते थे, बट क्योंकि आपका अजम्पशन था फर्स्ट डेट पे, तो आपका वेटेड एवरेज वाज इक्वल टू योर नॉर्मल कैपिटल, इसलिए द रेशियो वाज इन द अमाउंट ऑफ कैपिटल ऑलवेज. बट प्रैक्टिकली बिजनेस में हमेशा जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड होता है, दैट्स नॉट ओनली ऑन द एब्सोल्यूट अमाउंट, इट डिपेंड्स वो अमाउंट कितने टाइम तक पड़ा हुआ है बिजनेस. आर यू गेटिंग दिस लॉजिक? समझा इसके पीछे? ए बेचारे ने तो 12 महीने तक पड़ा है उसका पैसा, हर महीने 50 का यूज किया बिजनेस, और बी का तो खाली एक महीना यूज किया, और ठहर पूरा इक्वल ले, बी का तो चांदी. ऐसा नहीं होता. हम हमेशा क्या कैलकुलेट करते हैं? वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज कैपिटल कैलकुलेट करते हैं. वेटेड एवरेज कैपिटल के रेशियो में आपका प्रॉफिट्स डिवाइड होता है. समझ में आई बात? समझ में आई बात? और ये वेटेड एवरेज कैपिटल के रेशियो में कब होगा? इफ इट इज गिवन इन द डीड that the profit should be shared in the ratio of capitals. Profit should be shared in the ratio of capitals. If it is given in the deed, you do it like this, weighted average ke basis. But if it is not given in the deed, then deed mein kuch mention nahi kiya, toh kya karoge? Equal. Phir toh equal. If the partnership deed is silent, then the profit should be shared equally. Kadla ki nahi, sanga mala. Sabko baitha dimaag mein. Why weighted average is important? You got it? Because the number of months the capital is there in the business may keep on changing. Take an example and solve it. Sir, agar time period bhi alag hai aur jo amount capital ka hai wo bhi alag hai, to dono ko multiply. Very good question. We are doing that question now. Question number 7 dekho aapka. अभी उससे पहले एक और सिंपल एग्जाम्पल क्वेरी सोल्व कर लेते हैं अपन. परीक्षा की अमाउंट भी अलग है और टाइम पीरियड भी अलग है. ओके, तो एक का कैपिटल है 50,000, दूसरे का कैपिटल है 1,00,000. ए बी, ए ने इंट्रोड्यूस किया 50,000 ऑन 1st Jan, 12 महीना यूज किया. बी ने इंट्रोड्यूस किया 1,00,000 ऑन 1st October, 3 महीना वापरा है. इसका वेटेड एवरेज होगा 6,00,000,
इसका वेटेड एवरेज होगा 3 लाख. सो योर पीएसआर इज 2:1. समझा? इट्स एज सिंपल एज दैट. कितना कैपिटल कितने महीने के लिए बिजनेस ने वापरा है, दैट इज द रेशियो. सॉरी, पार्टनरशिप करके एक चैप्टर था तुमको, राइट? इन्वेस्टमेंट रेशियो, करेक्ट. सेम जो करते थे ना वही है ये. परफेक्ट. Now let us take a problem and solve it. Question number 7, देखो एकदम ध्यान से. Question number 7. A and B formed a partnership with a capital contribution of 50 and 30,000 respectively on 1st January 2016. The profits were to be shared in the capital ratio. Calculate the capital ratio on the basis of the following details. तो हमें पहले capital ratio ढूंढना है, ठीक है? तो कैपिटल रेशियो के लिए यू कैन ड्रॉ दिस टेबल एंड कीप. ओके, यू कैन डू दोनों का इंडिविजुअली आल्सो. आई एम डूइंग दोनों का साथ में. द कैपिटल, लेट्स टेक इट इंडिविजुअली, ओनली इजी लगेगा. इंडिविजुअली बना लो, ए का अलग बी का अलग. दीज आर द कॉलम्स. These are the dates. और एक कॉलम बना दो फिर. तीन कॉलम और एक डेट का, टोटल 4 कॉलम. This is date. This is for A. This is for B. Okay. पर हेडिंग दे देना कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज कैपिटल. Calculation of weighted average capital for A and B. These are the capital introduced, capital utilized. Either capital utilized months product. Capital utilized months and product. Okay. Now, let's begin for A. A को पहले खत्म करते हैं. A का शुरुआती कैपिटल कितना था? 50,000 का कैपिटल था A का. He has introduced that on the first date of the year, right? देन ए का डेटा देखो, 31st मार्च को ए ने 5,000 लाया, फिर 1st जुलाई को 9,000 कैपिटल विड्रॉ किया. दीज आर नॉट ड्रॉइंग्स आई एम टॉकिंग अबाउट. ड्रॉइंग्स आर इन एंटीसिपेशन ऑफ प्रॉफिट. प्रॉफिट में से विड्रॉ कर रहे हो. कैपिटल में से 9,000 लेके गया घर पे, बेस कैपिटल. 1st सितंबर को वापस 5,500 लाया और वापस 1st नवंबर को 4,000 लेके गया. सर वो बी का है. अरे सॉरी, ए ने, हाँ ए बी ए बी ऐसा दिया है. सो ए ने 31st मार्च को 5,000 लाया, बराबर है, फिर 1st जुलाई को 3,000 विड्रॉ किया, राइट, फिर 4 को 5,500 लाया और फिर 1st नवंबर को 4,500 विड्रॉ किया. दैट इज व्हाट इज हैपनिंग, राइट. तो पहले कैच ए. ए का अपने को क्या ढूंढना है? वेटेड एवरेज. तो बनिया लॉजिक लगाने का, जितना कैपिटल जितने टाइम के लिए यूज हुआ. तो पहले उसने 50,000 इंट्रोड्यूस किया, फिर 31st मार्च को उसने एडिशनल 5 इंट्रोड्यूस किया, मतलब जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने के लिए बिजनेस हैज यूज्ड 50,000. सो फ्रॉम 1st जनवरी टू 31st मार्च, ऐसा लिखने का, 1st जनवरी टू 31st मार्च, 50,000 रुपीज हैज बीन यूज्ड फॉर 3 मंथ्स. सो दैट मेक्स इट 1,50,000. 12 महीना वापरा होता तो 6 लाख, टेंशन ही गुल, जो हमने लास्ट एग्जांपल में किया था. यहाँ पे 12 मंथ्स नहीं किया, हमने क्या किया, 50,000 फॉर फर्स्ट 3 मंथ्स. ओके, देन
उसने एडिशनल कैपिटल लाया 5000 का ऑन 31st मार्च, तो 31st मार्च के बाद नेक्स्ट चेंज कभी हो रहा है उसका? 1st जुलाई को हो रहा है, तो कैन आई से अप्रैल मई एंड जून, तीन महीना, दैट इज 1st अप्रैल टू 30th जून, तो 6 महीना ना, सितंबर तक कुछ नहीं ला रहा। नहीं नहीं भाई, जुलाई में देखना विड्रॉ किया उसने 3000, ए ने 1st जुलाई ए एस विड्रॉन 3000, देखा, तो चेंज हो रहा है कैपिटल। तो 1st अप्रैल से 30th जून तक कितना कैपिटल पड़ा होगा बिजनेस में? 55,000 पड़ा हुआ है फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 3 मंथ्स, अप्रैल टू जून, सो दैट मेक्स इट 165,000। देन जुलाई 1st को ही विड्रू हाउ मच? 3000। उसके बाद नेक्स्ट चेंज हो रहा है 1st सितंबर को, मतलब अगस्त तक वैसा ही चीज है। तो जुलाई और अगस्त, तो बेसिकली 1st जुलाई को उसने विड्रॉ किया, तो 1st जुलाई टू 31st अगस्त 55 था, उसमें से उसने 3000 विड्रॉ किया। तो कैन यू टेल मी जुलाई एंड अगस्त में बिजनेस ने कितना यूज किया पैसा? 52,000। तो 52,000 हैज बीन यूटिलाइज्ड फॉर 2 मंथ्स, दैट्स 1,04,000। देन 1st सितंबर को और आया 5,500, सो नाउ इट हैज बिकम 7,500, and that 57,500 has been used for the month of September and October, because again 1st November he has withdrawn. So again 1st September se leke 31st October, ye do mahina 57,500 rupees humne use kiya hai, business ne use kiya hai, 57,500 has been utilized for 2 months, so kitna hota hai ye? 115,000, 1,15,000, and फिर क्या हुआ? 1st November को withdraw हुआ है 4,500 रुपए, तो अभी कितना हो गया capital वापस? 53,000 हो गया। तो अभी 53,000 is from I think 1st November till 31st December, to 31st December, so that is 52,000 हो जाएगा ना, 4,500 गया, नहीं 53,000, लास्ट दो महीना बिजनेस में 53,000 था फॉर 2 मंथ्स, सो दैट कम्स टू 1,06,000, टोटल इट अप, दैट्स योर वेटेड एवरेज कैपिटल फॉर ए, यू हैव डन फॉर ए, कितना होता है ये? बताओ, सॉरी, 6,40,000 is your weighted average capital for A. Can you do the same for B? Can you try the same for B? Try the same for B. Come on. Baniya logic apply karna hai. Kitna paisa kitne time tak padha tha? That's your weighted average capital.
चेक कर लो, ये आना चाहिए 4 लाख 4 लाख 4 लाख आया, चेक कर लो। So 6 lakh 40 and 4 lakh, 4 lakh all of you are getting 90, 84, 74, 72, 80 खाली ध्यान रखना है कब कितना कैपिटल आया, कब कितना विड्रॉ किया, कितना महीना यूज किया। ये तो इजी के लिए मंथ्स दिया हो, कभी कभी डेज में भी हो सकता है बहुत बड़ा कैपिटल है तो। दिस डेट इतना कैपिटल, दिस डेट इतना कैपिटल। बैंक आपको ऐसे ही इंटरेस्ट देता है क्वार्टर क्वार्टरली, आपका कितना बैलेंस है कितने टाइम के लिए, वेटेड एवरेज करके आपको सेविंग्स पे जो इंटरेस्ट मिलता है ना बैंक में 3-4% ऐसे ही मिलता है। नाउ कितना आ रहा है ये, फोर लैख और 640 मिला, तो व्हाट इज योर कैपिटल रेशियो, देयरफॉर कैपिटल रेशियो क्या होगा, रेशियो बिटवीन 8:5 इज व्हाट, 6,40,000 इज टू व्हिच इज 8:5, 8:5 इज योर पीएसआर, 8:5 इज योर पीएसआर, गॉट इट। और इसी क्वेश्चन में मैं सपोज आपको पूछूं कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10%, आप कैसे करोगे, विल यू टेक डायरेक्टली ऑन द ओपनिंग कैपिटल फॉर 12 मंथ्स, टेल मी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डाल दिया 10% इसमें, ऐसे करोगे, इंडिविजुअल अमाउंट इनटू मंथ्स इनटू परसेंटेज, इंडिविजुअल अमाउंट इनटू मंथ्स इनटू परसेंट करना ही पड़ेगा, ओरिजिनल वाले पे 12 महीना, फिर एडिशनल 5000 पे 9 महीना एंड सो ऑन, फिर निकाला उसका कम ज्यादा, तो वो थोड़ा लॉन्ग कट मेथड है, कर सकते हो वैसे, उसका भी एक शॉर्टकट है आपके सामने है, सीधा 40,000 के ऊपर 10% 40,000 पे 10% फॉर फुल ईयर सिंपल एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, आपका ओरिजिनल कैपिटल था 5 लाख, ओरिजिनल कैपिटल था 5 लाख, दैट वॉज एट द बिगिनिंग, फर्स्ट जैन को आया हुआ कैपिटल था, ओके 10% इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट, फर्स्ट जनवरी को 5 लाख का कैपिटल आया है, ध्यान से देखो एग्जाम्पल को, फिर 1 जुलाई को और 3 लाख का आया है, 1 जुलाई को और 3 लाख का आया है, ठीक है, पहले अपन बनिया लॉजिक अप्लाई करते हैं, नॉर्मल लॉन्ग कट कैलकुलेशन, 5 लाख पे 10% फॉर फुल ईयर लोगे कितना आएगा 50,000, और 3 लाख पे 10% 6 मंथ्स लोगे दैट विल बी 15,000, सो टोटल इंटरेस्ट शुड बी 65,000, अग्री ऑल ऑफ यू, नाउ लेट अस सी द वेटेड एवरेज पार्ट, 5 लाख 12 महीना वापरा तो 60 लाख हो गया, और 3 लाख 6 महीना वापरा तो 18 लाख हो गया, बराबर है, टोटल कितना हुआ वेटेड एवरेज 78 लाख हुआ, हेलो, इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस लॉन्ग कट इंडिविजुअल कैपिटल्स पे रिस्पेक्टिव मंथ्स लेने से बजे आप क्या कर सकते हो पता है, ये कर सकते हो 78 लाख पे 10% फॉर 1 मंथ, मिल गया आपको आंसर, 1 मंथ कैसे, 1 मंथ ही आएगा, कैसे आएगा बताता हूँ, देखो पहले
आंसर शुड बी 65,000. आया कि नहीं आया ना? अभी आंसर आपका इधर क्वेश्चन में ही छुपा हुआ है, देखो ध्यान से. 5 लाख पे 12 महीने का इंटरेस्ट, उसके जगह 60 लाख पे 1 मंथ. एक ही बात हुआ ना? 3 लाख पे 6 मंथ का इंटरेस्ट, उसके जगह 18 लाख पे 1 मंथ. एक ही बात हुई? तो 60 प्लस 18, 78 लाख पे 1 मंथ, और 5 लाख पे 12 मंथ, या फिर 3 लाख पे 6 मंथ. यहां पे देखो, मैंने पहले मेथड में क्या किया, 5 लाख इंटू 10% इंटू 12 मंथ, दैट वॉज 60,000, राइट? Instead of doing this, what I can do, I can multiply this by 12 and divide this by 12. बात एक ही हुआ. तो क्या किया मैंने, 5 लाख पे 12 महीने का इंटरेस्ट के जगह 60 लाख पे 10% फॉर 1 मंथ इज ऑल्सो 60,000. और दूसरा वाला मैंने कैसे किया था, 3 लाख रुपीज जुलाई में आया था, तो 3 लाख पे 10% फॉर 6 मंथ. ये अपना नॉर्मल लॉन्ग कट मेथड, दिस वाज 15,000. तो इंस्टेड ऑफ डूइंग 3 लाख पे 6 मंथ्स, व्हाट आई कैन डू, इधर इनटू 6, इधर डिवाइड बाय 6, तो 18 लाख पे 10% फॉर 6 कट 1 मंथ. हर बार ऐसा 1 मंथ ही होता है. एवरी टाइम 1 मंथ ही होगा. देखो तुम्हारे सामने कैलकुलेशन, तुमने क्या किया, वेट्स करते वक्त तुमने मंथ से तो मल्टीप्लाई कर दिया है ना. यू हैव ऑलरेडी मल्टीप्लाइड दैट थिंग बाय द मंथ्स. तो आपको अभी खाली क्या बाकी है, एक ही महीने का खाली, न्यूमरेटर में 1 ही बाकी है. वो सब बाकी मंथ्स तो आपने मल्टीप्लाई कर लिया, 4 मंथ, 6 मंथ, 8 मंथ इंडिविजुअल मंथ कर ही लिया. वन लाख पे 10% फॉर 12 मंथ्स, 1 लाख पे 10% फॉर 12 मंथ्स, 1 लाख पे 10% फॉर 12 मंथ्स इज इक्विवेलेंट टू 10 लाख पे 10% फॉर 1 मंथ. सॉरी, 12 लाख, 12 लाख 12 मंथ्स. 1 लाख पे 10% फॉर 12 मंथ्स इज इक्विवेलेंट टू 12 लाख पे 10% फॉर 1 मंथ. मैं खाली जगह शिफ्ट कर रहा हूं एप्लीकेशन. जो आपने मंथ को इनटू 12 किया था, मैंने अमाउंट को इनटू 12 कर दिया. बात तो वही है, समझा? गॉट इट? तो आप कोई भी सम उठा के देख लो, यही आएगा. ये कर रहे हैं हम लोग, एक्चुअली सिंपल मैथ है. न्यूमरेटर को मैंने खाली हिला दिया, उसको इनटू 12 था, इसको इनटू 12 कर दिया, उसको 1 कर दिया. गॉट इट? ऐसे परसेंटेज पे भी आप कर सकते हो. इधर 10/100 है, तो 18 लाख पे 10% फॉर 1 मंथ, 18 लाख पे 10% फॉर 1 मंथ इज वॉट, 1.8 करोड़ पे 1% फॉर 1 मंथ. मैंने क्या किया, ये 10 से मल्टीप्लाई कर लिया, इसको 1 बना दिया. Got it? कर लो कि नहीं, पक्का? तो वेटेड एवरेज में क्या करोगे अभी, वेटेड एवरेज में जो आपको आंसर आएगा 6,40,000 और 8, ये 4 लाख, 6,40,000 और ये 4 लाख, ये क्या है, आपने मंथ से ऑलरेडी मल्टीप्लाई किया हुआ है. मंथ्स में से कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं, अभी 1 मंथ ही आएगा हमेशा. तो इसका इंटरेस्ट क्या होगा, 6,40,000 इनटू व्हाटएवर द रेट 10% फॉर 1 मंथ, एंड इसका आएगा 4 लाख इनटू 10% फॉर 1 मंथ. करना नहीं है, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग बता रहा हूँ. अगर होता तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में करेंगे हम लोग. कर लो, कर लो. नेक्स्ट एग्जाम्पल में तीनों कॉन्सेप्ट साथ में करते हैं डिस्कस. ड्रॉइंग्स भी है, कैपिटल भी है वेटेड, और इंटरेस्ट भी. सम नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान से देखना. क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान से देखना, याद है.
पी एंड क्यू आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ देयर इफेक्टिव कैपिटल. इफेक्टिव कैपिटल मतलब वेटेड कैपिटल. ओके, इफेक्टिव कैपिटल मतलब वेटेड कैपिटल. दे हैड 2 lakhs and 80,000 respectively in their capital accounts on 1st Jan 16. Yeah, already the 1st Jan 16. P introduced a further capital of 20,000 on 1st May 2016 and another 8,000 on 1st July 2016. On 30th September 16, he withdrew 30,000. Do intro hai aur dates ka dhyan rakhna. On 1st August 16, Q introduced a further capital of 40,000. Usne khali introduce kiya, kuch withdrawal nahi. The partners drew the following amounts in anticipation of profits. In anticipation of profits, manje ka hai? Drew the following amounts, matlab wo kya ho gaya? Capital withdrawn hai ki drawings hai? Drawings. Drawings hai. Drawing. Capital withdrawn alag se diya hai. That is drawing. Drawings hamesha profits mein hi rahega. Kuch nahi diya hai. Isliye hum current mein drawings likhte hai, capital fix rakhte hai. No change in capital. Unless and until capital is introduced or withdrawn. P withdrew 2,000 rupees a month at the beginning of each month. At the beginning of each month. Beginning from January 2016. Kuch hint samajh mein aayi yahan pe? He withdrew 6.5. Seedha answer ho gaya. 6.5. Beginning of each month. Lekin 2000 pe rate 6.5 lena ki 24,000 pe rate pe 6.5 lena? 24,000. 24 pe lena. 2 pe mat lena. 2 to har mahina withdraw hua hai. To pehla 2000 pe 12 mahina, dusra 2000 pe 11 mahina, tisra 2000 pe 10 mahina. फिर 9, 8, 7 समझ में आया. फिर टोटल ड्रॉइंग्स 24,000 पे वॉट एवर द रेट 6.5 विल गेट द आंसर. एंड देन क्यू ड्रू, ध्यान से पढ़ना, क्यू ड्रू 3,000 ऑन 30th जून एंड 4,000 ऑन 30th सितंबर. 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 12% इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, डेट ऑफ क्लोजिंग 31st दिसंबर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स. पहली चीज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ऑफ पी तो पता चल गया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ऑफ क्यू कैसे करो? क्यू ड्रू 3,000 ऑन 30th जून एंड 4,000 ऑन 30th सितंबर. कैसे करोगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स फॉर क्यू? बताओ बताओ बताओ. जितने महीने के लिए उतना इंटरेस्ट. सिंपल, जितने महीने के लिए उतना इंटरेस्ट. उसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है. कुछ शॉर्टकट लगाने की जरूरत है? शॉर्टकट कब होता है? When the drawings are evenly distributed either on monthly or quarterly basis, right? इधर तो प्लेट में सर करके डेटा दिया है, इससे इजी कुछ हो ही नहीं सकता. आपको बोला है उसने, क्यू ने 3,030 जून को विड्रॉ किया था और 4,030 सितंबर को विड्रॉ किया था, तो उसी अमाउंट पे करो. 3,000 पे 6 months और 4,000 पे 3 months, काम खत्म. समझा? नहीं, पूरा सम का कंसेप्ट बैठ रहा है दिमाग में. पहले तो कैपिटल अलग अलग है, उससे वेटेड कैपिटल, वेटेड एवरेज कैपिटल कर सकते हो, कैलकुलेट आता है. पी का अलग, क्यू का अलग. वेटेड एवरेज कैपिटल मिलेगा तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मिल जाएगा आपको इफेक्टिव कैपिटल का, करेक्ट. फिर आपको पूछा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. मुझे बात बताओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए वापस कुछ लंबा स्टोरी बनाने की जरूरत है? हाउ विल यू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? भैया अगर इवनली स्प्रेड नहीं है तो कोई शॉर्टकट काम नहीं आएगा आपको, न 7.5, न 4.5, न 6.5, न 5.5, न 6, कुछ काम नहीं आएगा. वो सब शॉर्टकट काय के लिए? व्हेन योर ड्रॉइंग्स आर इवनली स्प्रेड थ्रू आउट द ईयर, आइदर फर्स्ट डे ऑफ द मंथ, लास्ट डे ऑफ द मंथ, फर्स्ट क्वार्टर, लास्ट क्वार्टर या मिडिल. तो कर लो, ट्राई करो. चलो शेड्यूल बनाओ पहले. स्टार्ट विद इफेक्टिव कैपिटल, ईएसआर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन करो. चलो स्टार्ट.
म्यूट पे चले जाओ, डाउट नहीं है तो। लिखा है वो पी है ना? हाँ पी है, पी विड्रो है, ए नहीं है, पी है। सर ये जो विड्रॉ वाले ड्राइंग्स का हर महीने का वो सब्ट्रैक्ट करना है हर महीने में? इसमें कैपिटल में से? नहीं, कैपिटल विड्रॉन अलग ही है, बेस कैपिटल से हो रहा है, ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट्स हो रहा है, ऊपर का जो कमा रहे हैं उसमें से, कैपिटल को अफेक्ट नहीं करेगा वो। ये आ रहा है आंसर्स, टोटल कितना आ रहा है? $25,18,000 ओके, यू का भी कर लो। जुलाई फर्स्ट अगस्त टू सीधा 31st December 20 to 60,000
11,60,000 आ रहा है क्यूब का, तो कैपिटल रेशियो इज इक्वल टू 25,18,000 is to 11,60,000. That is 25,2518 is to 11,60. इसको और सिंपलीफाई कर सको तो रखो थोड़ा, 3 से जा रहा है, नहीं 3 से नहीं जाएगा, 4, 5. 1209 is to 585. बस यही आएगा, 1209 is to 585. 3 से जा रहा है अभी, 585 आ रहा है पक्का सर, 1259 आएगा, 580 आएगा, 580 1259 is to 580, और कुछ नहीं होगा ना, सिंप्लीफाई, दैट्स योर इफेक्टिव कैपिटल रेशियो 1259 is to 580. Got it? वेटेड एवरेज. देन व्हाट हैव दे आस्क्ड? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में लॉन्ग कट कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा पी और क्यू. इसका क्या होगा, 25,18,000 पे एट द रेट ऑफ 10% फॉर फुल ईयर, फुल ईयर क्या, सॉरी 1 month. बाकी सब पे फुल ईयर था तो इसका ऑटोमेटिकली 1 month हो गया. इतना होता है ये 2518000 डिवाइड बाय 12 करो कितना आता है, 9,8,20983, rounded off 20983. एंड इसका रहेगा 11,60,000 पे 10% फॉर डायरेक्टली 1 month. मंथ हमने ऑलरेडी कर लिया, 9,667. That's your interest on capital. And interest on drawings. फॉर मिस्टर पी कैसे करोगे, मिस्टर पी का, मिस्टर पी का इवनली स्प्रेड था और बिगिनिंग ऑफ द मंथ था, तो 24,000 पे 12% फॉर हाउ मेनी मंथ, 6.5 months. तो कितना आता है, 240 into 6.5 कितना आता है, 1560. Yes. And Q का कोई शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हो, क्यू में क्यू नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, इंडिविजुअल डेट और अमाउंट दे दिया है तो रिस्पेक्टिव मंथ का ही कर लेने का. 3000 ऑन 30th June है ना, तो 3000 पे 12% फॉर 6 months, जुलाई से लेके दिसंबर का ही विल पे अस, तो ये कितना आता है, 12 गया 180. एंड प्लस 4000 रुपीज ही हैज विड्रॉन ऑन 30th September, right? So October, November, December. 3 महीने का ब्याज वो अपने को देगा. That's 300 rupees. That's your entry for, that's your amount of interest for Q. कर लो. समझ में आया? नहीं? बताइए. All of you got that? Respective अगर months है ना, उसमें six भी मत करना, half भी मत करना, average भी मत करना, पूरा कर देना एक साथ, जितना months है इतना, क्योंकि इसने 3000 use किया है, 6 महीना 4000 उतना पूरा interest देगा. Equally है per month है per quarter है, तो that shortcut. Got it? बोलो. Any doubts? Effective capital ratio, weighted average capital, सब बैठा दिमाग में?
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्लियर है सबको? बताओ बताओ बताओ. नेक्स्ट वन सम नंबर टू, सेकेंड सम ले लो. सेकेंड सम, सेकेंड सम क्वेश्चन टू. क्वेश्चन टू से पहले क्वेश्चन फोर करते हैं, फिर टू करते हैं लास्ट में. क्वेश्चन फोर ले लो. क्वेश्चन फोर यू टेक. क्वेश्चन फोर में क्या बनाना है अपने को? वही है अपना फर्स्ट क्वेश्चन किया था वो टाइप का. क्वेश्चन फोर देख लो. अमर अकबर एंड एंथनी वेर पार्टनर्स इन अ फर्म. दे हैव नो अग्रीमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस बाय द पार्टनर्स एंड रेम्युनरेशन पेएबल टू पार्टनर. कुछ अग्रीमेंट नहीं है बेसिकली. इन द मैटर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स दे हैव फॉरवर्डेड द फॉलोइंग क्लेम्स. अमर हु हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड द मैक्सिमम कैपिटल डिमांड्स एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 12% एंड द शेयर ऑफ प्रॉफिट इन कैपिटल रेशियो. But Akbar and Anthony disagree. Akbar has devoted full time for running the business. He demands a salary at the rate of 1500 per month. But Amar and Anthony do not agree. Anthony demands interest on loan at the rate of interest on loan of 1000 advanced by him at market rate of interest, which is 10%. How shall you settle the dispute and prepare P&L loss appropriation after transferring 10% of the divisible profits to reserve? Net profit before taking into account any of the above claims amounted to 55,000 at the end of the first year of their business. पहले तो dispute settle करते हैं, फिर P&L appropriation बना लेंगे. तो answer चालू कर दो. Since there is no agreement between the partners provision of Indian Partnership Act 1932 shall apply. पहले तो dispute settle करनी है. First question में किया था हमने, याद है, without agreement Ram Rahim something it was. Similar है, पहले dispute settle करते हैं फिर P&L appropriation. बताओ मुझे, पहला तो dispute था उसको कैपिटल पे 12% इंटरेस्ट चाहिए उसको. किसको चाहिए? अमर को. बोल, कुछ अग्रीमेंट है? नहीं, भाई को 12% इंटरेस्ट चाहिए. नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे. तो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी प्रोवाइडेड. नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी प्रोवाइडेड. ओके, no interest on capital will be provided. Okay, settled. दूसरा था अकबर है devoted full time salary मांग रहा है, देंगे? देंगे कि नहीं? No salary. नहीं देंगे. No. सर उसके पहले और एक है ना, profit in capital. Salary. अच्छा, profit in capital वो भी करते हैं. चलो वो आते हैं हम लोग. profit miss हो गया. No salary will be provided. No salary will be provided to any of the partner. No salary will be provided. सीधा लिख दो. अच्छा, उसको चाहिए था profit in capital ratio. अकबर को क्या होगा profit in capital ratio? होगा equal ratio. Equal. Profits will be shared equally. Profits will be shared equally. ये एक थोड़ा typical point है यहाँ पे partnership का. Partnership Act में दिया कि profit should be shared equally. Losses के बारे में कुछ नहीं दिया. Profit should be shared equally if there is no information. Okay, losses का agreement होना ही चाहिए. और losses का बोला ही नहीं है. ऐसा भी हो सकता है कि partner can agree to share only profits. तुमने type भी सीखा होगा उसी में. Partner in profits only. Nominal partner, partner by estoppel, partner by holding, managing partner, dormant partner, nominal. ये सब type सीखे थे ना, उसमें एक था partner in profits only. वो सिर्फ profit share करता है. Losses share करेगा ही नहीं. ओके, हो सकता है. तो पार्टनरशिप में प्रॉफिट्स का ही बात किया गया, लॉसेस का कुछ नहीं किया गया. ओके, रिमेंबर दैट. ऑब्वियसली अग्रीमेंट नहीं है तो दोनों इक्वली जाएंगे, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस.
बट टिपिकली टॉक्स ओनली अबाउट प्रॉफिट्स, बट लॉसेस अगर नहीं करना है अग्रीमेंट से तो आप ऐसा बना सकते हो कि खाली मैं प्रॉफिट शेयर करूंगा, लॉसेस शेयर नहीं करूंगा. देन बस यही था कि और था लोन एडवांस अंतनी का लोन 1000 rupees का लोन दिया भाई ने, 10% इंटरेस्ट मांग रहा है, देने का कि नहीं देने का? देने का बट 6% इंटरेस्ट ऑन लोन शैल बी प्रोवाइडेड एट 6% ओनली, ओके नॉट एट 10%, बी प्रोवाइडेड एट 6% ओनली. तो बस इसके बेसिस पे अपने को बना लेना है अभी पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट. जो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट वी नो द प्रॉफिट्स बिफोर एडजस्टमेंट बाय नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम पीएनएल कितना था 55,000. अब क्या देंगे, ना सैलरी देनी है, ना इंटरेस्ट देना है, ना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है, प्रॉफिट इक्वल है तो देना क्या है उसको? इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन देना है और रिजर्व क्या दिया है पढ़ो, ट्रांसफरिंग 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट्स टू रिजर्व. तो पहले रिजर्व में ट्रांसफर करोगे कि पहले इंटरेस्ट ऑन लोन दोगे, क्या करोगे? पहले रिजर्व पढ़ो. ऐसा ही होगा और उधर दिया भी है. कौन सा प्रॉफिट आपका रिजर्व में जाएगा? हमेशा डिविजिबल प्रॉफिट का परसेंटेज आप रिजर्व में डालते हो. डिविजिबल मतलब जो फाइनली आप प्रॉफिट्स में डिवाइड करने, अपना पार्टनर्स में डिवाइड करने वाले. ओके तो ऑर्डर ऑफ एडजस्टमेंट हमेशा ऐसे ही होगा आपका, इंटरेस्ट ऑन लोन सबसे पहले, फिर सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कोई भी ऑर्डर में. सर इंटरेस्ट ऑन लोन एक्सपेंस नहीं गिना था? एक्सपेंस ही है. PNL में आएगा कि PNL appropriation? थर्ड पार्टी नहीं है ना, पार्टनर को ही देना है ना यार. Got it? थर्ड पार्टी नहीं है, you have to give it to partner only. So internally part... it is regarded as a compulsory expense only na. But it depends again, if you make profits then, if you don't make profit then उसको नहीं भी देगा तुम इंटरेस्ट. तो फिर वो पैसे ही क्यों देगा लोन पे? थर्ड पार्टी के देने पड़ेंगे. पैसे इसलिए देगा कि उसको फिक्स रिटर्न मिल रहा है, बाकी तो डिपेंड्स ऑन प्रॉफिट. थर्ड पार्टी का इंटरेस्ट देने के बाद नहीं बचा तो इसका इंटरेस्ट भी नहीं दे सकते. इंटरनल वो भी आउटसाइडर है ना लोन के केस में. आउटसाइडर खाली है ना, उसको फिक्स रेट मिलना चाहिए, उतने का आउटसाइडर. बाकी वो आउटसाइडर एकदम थर्ड पार्टी लायबिलिटी नहीं है. पता है डिसोल्यूशन के वक्त भी हमने देखा था, इट इज अ मिडल लायबिलिटी बिटवीन योर आउटसाइड एंड बिटवीन योर कैपिटल, बीच में आता है. इट्स नॉट एंटायरली एन एक्सटर्नल लायबिलिटी कि उसको इंटरेस्ट देना ही पड़े, ऐसा पार्टनर ही है, इंटरनल अप्रोप्रिएशन ही है. प्रॉफिट्स करोगे तो दोगे, फर्क सिर्फ इतना है कि कैपिटल पे उसको अगर इंटरेस्ट नहीं है तो कुछ मिलेगा नहीं, लोन एडवांस किया तो 6% तो मिलते रहेगा रिटर्न, ऐसा है. ये खाली फर्क है, एक फिक्स रिटर्न 6% का उसको मिलेगा, कैपिटल पे कुछ नहीं मिलेगा. मतलब आपके प्रॉफिट इतने ही हुए कि वो लोन का इंटरेस्ट चुका पाओ, उसके बाद नो प्रॉफिट नो लॉस पे आ रहे हो, तो उसको इंटरेस्ट मिल जाएगा लेकिन पार्टनर को कुछ ना प्रॉफिट मिलेगा ना इंटरेस्ट मिलेगा, ऐसा है. Got it? है वो इंटरनल का ही बंदा, पार्टनर ही है. अच्छा ऑर्डर ऑफ एक्सपेंस याद रखना, ऑर्डर ऑफ एक्सपेंस क्या है तुम्हारा? सबसे पहला इंटरेस्ट ऑन लोन, फिर सैलरी इंटरेस्ट कोई भी देना, रिजर्व को सबसे लास्ट में. जो भी आपके डिविजिबल प्रॉफिट होंगे अल्टीमेटली जो आप डिवाइड करने वाले हो ना पार्टनर्स को, उससे एक स्टेप पहले रिजर्व में डाल दो जितना डालना है, उसके बाद पार्टनर्स को. तो पहले तो हमेशा इंटरेस्ट ऑन लोन प्रायोरिटी वाइज ऑब्वियसली थोड़ा पहले रखेंगे उसको, क्योंकि लोन है, बाकी कुछ एक्स्ट्रा उसको है नहीं प्रिविलेज. सो टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन या इंटरेस्ट ऑन लोन लिख दो, एक ही बात है, देना बाकी है, पार्टनर को क्रेडिट कर देंगे. लोन में भी ऐड कर सकते हो, कैपिटल में भी ऐड कर सकते हो, आइदर वे ये इंटरेस्ट. यू कैन ऐड दिस टू द लोन इन द लायबिलिटीज और यू कैन ऐड इट टू द कैपिटल आल्सो ऑफ द रिस्पेक्टिव पार्टनर, इंटरेस्ट जो देना बाकी है. सो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन कितना आता है सर? टू एंथनीज लोन अकाउंट, सॉरी कैपिटल अकाउंट आना चाहिए ना?
एंथनीज लोन अकाउंट लिख सकते हो, आउटस्टैंडिंग लोन लिखा तो आपको हाँ एक और एंट्री करना पड़ेगा, तो ये बेटर कर लो. टू एंथनीज लोन अकाउंट लिख, एंथनीज लोन अकाउंट, टू एंथनीज लोन अकाउंट दिस इज आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट. ओके, टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट लिखा है तो सेकेंड एंट्री वापस आपका ये इंटरेस्ट टू लोन नीचे दिखाना पड़ेगा नोट में, इंटरेस्ट टू लोन एंड पीएनएल अप्रोप्रिएशन टू इंटरेस्ट. कितना देंगे, उसका लोन था 1000 रुपीज का, 6% को डेट नहीं दिया तो 12 महीना, दैट इज 60 रुपीज. करेक्ट, 60 रुपीज आया. फिर करना है ट्रांसफर टू रिजर्व, तो एंट्री क्या होगा, तो टू जनरल रिजर्व अकाउंट. ये यहाँ से ट्रांसफर हो रहा है आपका, इसके बाद जनरल रिजर्व क्रेडिट होगा, इसके बाद आपको बैलेंस शीट में दिखेगा जो आप करते थे ना अकाउंट्स में, जनरल रिजर्व रेवेन्यू रिजर्व जो दिखता था, ये यहीं से ट्रांसफर हो रहा था आपका, पीएनएल अप्रोप्रिएशन से ट्रांसफर हो रहा था और उसके बाद जमा होकर आपको दिखाई दे रहा था. रखना क्यों होता है, डिपेंड्स ऑन द पार्टनर, मे बी फॉर सम अनफोर्सिन कंटिजेंसीज, कुछ लगता है फ्यूचर इवेंट में कहीं एक्स्ट्रा पैसा लग जाए तो सेव करके रख दो अलग, इसको टच मत करो. ओके, रेगुलर एक्सपेंस अपना कैपिटल वाले कैश में से पे करो. तो जनरल रिजर्व कितना करना है, 10% ऑफ बैलेंस प्रॉफिट्स. कितना है अपना बैलेंस प्रॉफिट्स, 55,000 माइनस 60 कितना होता है, 540 होता है, 54940 का 10% विच इज 5494 इज व्हाट यू ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व. समझा कैसे मिला, डायरेक्टली 55,000 पे मत कर देना, अगर सैलरी होता इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता तो वो भी माइनस कर देते, उसके बाद जो बचता उसका 10% और बचा हुआ विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू अमर कैप, टू अकबर कैप एंड टू एंथनी कैप. अमर अकबर एंथनी टोटल इट इज 55,000. व्हाट्स योर फाइनल नेट प्रॉफिट टेल मी, 49446. और डीड नहीं है कुछ तो इक्वली जाना है तो डिवाइड बाय 3 करो, 16482. That's it. 16482. इसमें खाली एक नया था रिजर्व्स, रिजर्व्स का पार्ट क्लियर है सबको, सब कुछ देने के बाद जो डिवाइड करने वाले प्रॉफिट उससे एक्सेप्ट पहले सेपरेट कंडीशन दिया है पहले ही कर दो तो अलग कर देना पहले से ही, बट कुछ दिया नहीं है तो हमेशा एंड में डिविजिबल प्रॉफिट से पहले जो भी आया उसका डिस्ट्रीब्यूट करो, 90% डिवाइड कर दो. लास्ट सम प्रॉब्लम नंबर 2 छोटू सा है, खत्म करते हैं. मिनिमम गारंटी शेयर हम लोग कल करेंगे, खत्म हो जाएगा. आई स्टार्ट विद गुडविल, गुडविल गुडविल सबसे इंपॉर्टेंट है, गुडविल पार्टनरशिप का सार है, गुडविल. गुडविल समझ में आ गया तो सब कुछ समझ में आ गया, कल सीखेंगे गुडविल. क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 5 कहाँ लिखा मैंने, क्वेश्चन 2 ना, क्वेश्चन 2. P, Q and R are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 2:3:5. The fixed capitals were 25 lakhs, 40 lakhs and 70 lakhs respectively for the year 2016. Interest on capital was credited to them at 14% instead of 12%. Pass the necessary adjustment entry. Kya karne bola hai? Rectification. Yeah, exactly. They have asked us rectification. Perfect. Pass the necessary adjustment entry. Interest on capital was credited to them as 14% instead of 12%. ऐसा क्या नहीं है? Current account to PNL appropriation. हाँ, करंट अकाउंट टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन करोगे तो आपका खाली करंट अकाउंट वाला पार्ट रिवर्स होगा ना. देखो इसमें सीन क्या है, पहले तो
जब आपका ऐसा परसेंटेज रेट ऊपर नीचे हो जाता है एग्जिस्टिंग से नया वाला, तो इसमें आपको दो साइड का ध्यान रखना है. I'll give you a simple example. ए बी सी तीन जन का कैपिटल था 3 lakh, 2 lakh, and 1 lakh. ओके, और उनका PSR था इक्वल. अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट दिया है 10%. ठीक है, तो आप जब 10% से ये इंटरेस्ट दोगे तो ए को 30,000 मिलना चाहिए, बी को 20 और सी को 10. तो इसमें इसका फायदा 30, इसका फायदा 20, इसका फायदा 10 का हुआ है. बट सामने ये दे कौन रहा है? पीएनएल डेबिट में ये खुद ही दे रहे हैं. और तब वो लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है बिजनेस का एक्सपेंस करते वक्त. तो ये लॉस जो 60,000 का लॉस है, ये ए बी सी इक्वली शेयर कर रहे हैं. आर यू गेटिंग दैट? हाँ, उनको भी क्रेडिट करना पड़ेगा ना जो. हाँ, वही बता रहा था. तो दोनों जगह आपको बैलेंस करना है, ये कैपिटल में भी और पीएनएल में भी. तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सीधा नेट इफेक्ट लेते हैं. देखो मैं बताता हूँ एग्जांपल के साथ. ये वाला ही ले लेते हैं हम लोग. इधर लिख दो कैपिटल अकाउंट of all the three partners and इधर particulars लिखो. Particulars and A, B and C, तीन है ना? PQR है सर, PQR. PQ and R. PQ and R. अभी ये हमारे example में इसको 10% दिया था, तब यहाँ पे ये लोग ने equally share किया था. ये 10 का समझो 12% हो जाता. 12% हो जाता तो क्या होता, यहाँ पे आता 36,000, 24,000 and 12,000. और यही जो पूरा लॉस है, दैट लॉस विल बी 72,000. दैट 72,000 विल बी शेयर्ड इक्वली, दैट एज 24, 24, 24 बाय ऑल द थ्री पार्ट. तो अपने को क्या पूछा गया है क्वेश्चन में कि ये 10 का 12 हो गया है, तो इसको पूरा करो चेंज. तो पहले पूरे 10 को रिवर्स करना पड़ेगा दोनों बाजू, फिर 12 को इंक्लूड करना पड़ेगा. लॉजिकल वे वो है, लॉन्ग टर्म लॉन्ग कट मेथड है. पूरा 10% का रिवर्सल कर दो, मतलब पीएनएल अप्रोप्रिएशन डेबिट हुआ था उसको क्रेडिट करो, करंट क्रेडिट हुआ था उसको डेबिट करो, जीरो करो, और फिर वापस 12% का सेपरेट एंट्री मारो, अप्रोप्रिएशन को डेबिट करो और करंट को क्रेडिट कर दो 12%. ऐसा बराबर है, वो आपका नॉर्मल वे, लॉन्ग कट वे. बट वो पूरे लॉन्ग कट वे का नेट इफेक्ट क्या होता है, वो हम लोग यहाँ पे शॉर्टकट से कर लेंगे. वो लॉन्ग कट भी बताता हूँ बाद में, ये उसका शॉर्टकट वे है. तो पहले तो लिख दो इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% ऑन कैपिटल. इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% ऑन कैपिटल. इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% ऑन कैपिटल कितना होता है वो कैलकुलेट करके दिखा दो यहाँ पे. तो पी को कितना मिलेगा, 25 लाख का 12% कितना होता है? 3 lakh. देन 40 लाख का 12% 4.8. 70 लाख का 12% 8.4. 8,40,000 है, बराबर है. इसका टोटल जरा टोटल भी लिख लेना, इधर जगह नहीं है मेरे पास. टोटल 8 + 4 = 12 + 15 16,20,000 is the total, right? Just fit it over here. 16,20,000. 16,20,000 is the total interest we have given, less interest at the rate of 14% on capital. 14% से कर लो calculate कितना होता है. Less क्यों कर? करो बताता हूँ. 14% से करो कितना होता है.
14% of 25 lakh. That is 3.5 lakh. 3,50,000, 14% of 4 lakh, 40 lakh. 14% of 5 lakh, 60,000. And 14% of 75 lakh. 70 lakh. 84 lakh. 8,40,000. 9,80,000 बराबर है। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया था, इंटरेस्ट वॉज क्रेडिटेड टू देम एट 14% इंस्टेड ऑफ 12%, तो देना था आइडियली 12 बट दे दिया 14, तो कहना चाहिए ज्यादा दे दिया, 12 तो देना ही था, 12 तो प्रॉब्लम ही नहीं था, कितना ज्यादा दिया 2%, सबको 2% एक्स्ट्रा हो गया, तो इधर लिख दो एक्सेस इंटरेस्ट क्रेडिटेड, एक्सेस इंटरेस्ट क्रेडिटेड कितना रहेगा इसको 50,000, दिस माइनस दिस, इधर 80,000 और इधर 1,40,000, बराबर है नहीं, करेक्ट है कैलकुलेशन, करेक्ट 50, 80 and 140, इधर का टोटल्स बता देना मेरे को, दूसरे वाले इंटरेस्ट का टोटल क्या था, 9 + 5 = 14 + 18.9 lakh, और ये डिफरेंस का भी टोटल बता दो, 2,70,000, 2.7 lakh, तो बोलने का मतलब 12% तो भैया होना ही था, कोई प्रॉब्लम नहीं था, प्रॉब्लम खाली वो 2% एक्स्ट्रा का है, राइट, 2% एक्स्ट्रा का है, करेक्ट। तो ऐसे सोचो 12-12 नलिफाइड, 12 तो मिलना ही था, 2% एक्स्ट्रा क्रेडिट हो गया, तो वो 2% एक्स्ट्रा इन तीनों के खाते में मिला, इनको क्रेडिट साइड पे, ये 2% का अमाउंट आपका 50, 80 and 140, करेक्ट, और ये लोग ने ही पीएनएल में ये लॉस शेयर किया है, कौन से रेशियो में किया होगा, पीएसआर दिया हुआ है, तो इधर लिखने का लॉस ड्यू टू इंटरेस्ट शेयर्ड बाय पार्टनर्स इन पीएसआर, अभी ये टोटल लॉस इज 2.7 lakh, वी नो दैट 2.7 lakh इज द टोटल लॉस, हाउ कम 2.7 lakh यू गॉट, 12-12% तो देना ही था, उसका लॉस तो शेयर करना ही था, वो तो होना ही था, वो हो गया, होना ही था, उसको भूल जाओ, एक्स्ट्रा क्या हुआ, एक्स्ट्रा 2% का इंटरेस्ट मिल गया ये लोग, उतना क्रेडिट मिल गया ये पार्टनर के कैपिटल को, और उतना ये लोग ने लॉस बेयर किया यहाँ पे पीएनएल अप्रोप्रिएशन, तो वो लॉस कौन से रेशियो में बेयर किया होगा, 2:3:5 में किया होगा, तो डिवाइड दिस 2.7 lakh इन द रेशियो ऑफ 2:3:5, कितना होता है, ये हुआ है, ओके, गॉट इट, इसका मतलब 12-12% इंटरेस्ट का लॉस शेयर करना था पीएनएल अप्रोप्रिएशन में 2:3:5 में, और कैपिटल में यही क्रेडिट होना था, हो गया, नो प्रॉब्लम, एक्सेस 2% वही प्रॉब्लम एरिया था अपना, एक्सेस 2% का इनको कहना है से ये गलत क्रेडिट मिला है, ये नहीं होना चाहिए, और साइमल्टेनियसली इन्हीं को ये गलत डेबिट मिला है, ये भी नहीं होना चाहिए, बस इसको हटाओ, कैसे हटाओगे, रिवर्स एंट्री, रिवर्स, पी क्यू आर के कैपिटल को क्या करोगे, यहाँ पे गलत क्रेडिट है 50, 80, 140 की, डेबिट, तो डेबिट दोगे, और यहाँ पर गलत डेबिट है तो क्या करोगे, क्रेडिट दोगे, है कि नहीं, समझ में आई बात, 12% तो देना ही था,
उतने से डेबिट होना था पीएनएल अप्रोप्रिएशन, उतना लॉस बेयर करना था, उतना कैपिटल क्रेडिट होना था, हो गया। एक्सेस का ही लफड़ा था 2%, तो 2% नहीं दे सकते। यस यस, नेट इफेक्ट नहीं दे सकते। नेट इफेक्ट ही देंगे हम लोग, नेट इफेक्ट ही देंगे, आपको खाली समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो समझाने के लिए ये हम लोग क्या करना है, समझ में आ रहा है क्या करना है? यहाँ पे 2% जो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट है उसको हटाना है अपने को। तो वो 2% इनको गलती से क्रेडिट हो गया है, इसको हटाओ तो डेबिट दोगे, और गलती से डेबिट हो गया तो हटाओ तो क्रेडिट दोगे। तो आपका जो एंट्री है कुछ ऐसा दिखेगा, PQR2 P2Q2R। PQR डेबिट कितने से होंगे, 50,000, 80,000, 1,40,000, और क्रेडिट कितने से होंगे, 54, 81 एंड 135। ये मैंने क्या किया, ये पूरा लॉन्ग कट को मैंने शॉर्ट बनाया। ये लॉन्ग कट क्या था याद है अपना, लॉन्ग कट क्या था, हमने 12% से दे दिया, सॉरी 14% से दे दिया, दैट वाज लॉन्ग कट। पहले 14% का एंट्री करो, फिर 14% को पूरा उल्टा करो, अप्रोप्रिएशन को क्रेडिट करो, करंट को डेबिट करो, फिर वापस 12% से अप्रोप्रिएशन को डेबिट करो और करंट को क्रेडिट करो, तब जाके आपका फाइनल इफेक्ट आएगा। आर यू गेटिंग दैट? बट वो पूरा राम कहानी करने के जगह मैं यहाँ पे सीधा नेट इफेक्ट का एंट्री कर रहा हूं। ये नेट इफेक्ट की एंट्री, इसमें क्या होगा, अभी नेट नेट देखो, पी को नेट क्रेडिट मिल रहा है 4 बचेगा, क्यू को भी नेट क्रेडिट मिल रहा है 1 बचेगा, और इसको नेट डेबिट मिल रहा है तो 5 बचेगा। तो व्हाट्स योर नेट एंट्री, आर टू पी टू क्यू 5, 4, 1, ये मिलेगा आपको नेट एंट्री। वही आपने को इधर नेट इफेक्ट दिखाने का, तो इधर लास्ट लाइन पर लिख दो नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट क्या है इसका, 4,000, 1,000 और इसका पॉजिटिव 5,000। ये नेट इफेक्ट का लॉजिक समझो, लॉजिक क्या है, आपने 2% एक्स्ट्रा क्रेडिट दे दिया कैपिटल के इंटरेस्ट की, ठीक है? तो पी के केस में क्या सीन था, पी को एक्स्ट्रा क्रेडिट मिली 50 की, लेकिन एक्स्ट्रा लॉस हुआ 54 का, तो उसका लॉस हो गया है 4 का, नेट लॉस है उसका। क्यू का नेट लॉस है 1,000 का, आर का नेट गेन है 5 का, दिख रहा है? तो आर को खोटा गेन मिला है, खोटा गलत गेन है 5,000 का, तो उसको डेबिट दे दो, उसका कैपिटल घटाओ, और पी और क्यू को गलत लॉस मिला है, गलत डेबिट मिली है, तो उसको क्रेडिट कर दो। तो आपकी फाइनल एडजस्टमेंट एंट्री सिर्फ इतु सी है, आर टू पी टू क्यू। तो फाइनल एंट्री मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ थोड़ा अच्छे से, एंट्री फॉर नेट इफेक्ट ऑफ इंटरेस्ट, एंट्री फॉर नेट इफेक्ट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल इज आर टू पी टू, आर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी कैपिटल टू क्यू कैपिटल 5, 4, 1। 14% दे दिया था, देना था 12, तो पहले एक्सेस क्रेडिट हो गया 2%, 12 को तो भूल जाओ, कॉमन एलिमेंट को हटा दो, 2% एक्स्ट्रा क्रेडिट, तो 2% एक्स्ट्रा क्रेडिट हो गई, और सामने पीएनएल में इतने से एक्स्ट्रा डेबिट है, तो ये कॉमन एंट्री नहीं जम रही है ना, पहले पूरी एंट्री मार दो पी क्यू आर टू पी क्यू आर, ऑटोमेटिकली जो बचा वो कॉमन नेट इफेक्ट। ऐसे ही समझो 12 का 14 होता तो क्या करते, 12 का 14 होता तो क्या करते, उल्टा हो जाता था। 12 का ही 14 हुआ है, अच्छा 14 इंस्टेड ऑफ 12, मतलब 14 का 12 होता, देना था 14 दिया है 12, देना था 14 दिया है 12, अब क्या करते, उल्टा हो जाता ना, उल्टा क्या होता, मतलब QP2R 12 तो था ही, ओके 2% इंटरेस्ट मिला नहीं है उनको, 2% इंटरेस्ट मिला नहीं है, तो यहाँ पे एक्सेस इंटरेस्ट की जगह क्या होता, शॉर्ट इंटरेस्ट डेफिसिट इंटरेस्ट होता, बराबर है? तो यहाँ पर इतने अमाउंट का उनको क्रेडिट देना पड़ेगा, दिस अमाउंट का यू विल हैव टू गिव देम अ क्रेडिट, एंड दिस अमाउंट का यू विल हैव टू गिव देम अ डेबिट, उल्टा, समझा? लॉजिक क्लियर है? ज्यादा का कम हो गया है, ज्यादा इंटरेस्ट देना था और कम इंटरेस्ट हो गया है, तो जो
इंटरेस्ट है उसकी क्रेडिट दो और जो लॉस है उसकी डेबिट दो, बराबर है? हाँ, ज्यादा का कम हो गया तो इंटरेस्ट उसकी क्रेडिट दो और लॉस है उसकी डेबिट दो, लेकिन कम का ज्यादा हो गया, लाइक इन दिस एग्जांपल, कम का ज्यादा हो गया, देना था कम दिया ज्यादा, तो एक्सेस क्रेडिट है उनका तो उनको डेबिट दे देना, ऊपर वाला जो एक्सेस इंटरेस्ट उसको डेबिट दे देना और नीचे वाले लॉस को क्रेडिट दे देना, कर लो। सर वो जो इंटरेस्ट होता है ना एक्सेस या फिर जो भी शॉर्ट होता है तो वो सीधा परसेंटेज के डिफरेंस से जोड़ के कर सकते हैं? हाँ, सीधा एक्सेस या शॉर्ट 2% चलता है। यस, ये दोनों के जगह पे डायरेक्टली 2% ऑफ कैपिटल्स यू टेक एंड देन डिवाइड दैट 2% इन पीएसआर, मिल गया आपका, ये दो लाइन भी उड़ गया, परफेक्ट। और एक चीज बताना चाह रहा था मैं, हाँ, इसका लॉन्ग कट मेथड एक्चुअली क्या हुआ, 14% था पीएनएल अप्रोप्रिएशन डेबिट और करंट क्रेडिट हुआ था, उसको नलिफाई किया, करंट डेबिट पीएनएल अप्रोप्रिएशन क्रेडिट 0 एंड देन अगेन 12% पीएनएल अप्रोप्रिएशन डेबिट और करंट क्रेडिट, सब नेट करके देखोगे तो यही आंसर मिलेगा आपको, फाइनल डिफरेंस इन कैपिटल इतना सही रहेगा। तो हियर वी शुड टॉप, आपका एक होमवर्क सम है, ले लो नंबर, ठीक है, इसमें से कुछ होमवर्क नहीं है, सिमिलर टाइप के सम्स आपको मॉड्यूल में मिलेंगे, वो आपको गो थ्रू करने हैं, सॉल्व नहीं करोगे चलेगा, गो थ्रू कर लेना, ओके, इन द मॉड्यूल, इन द मॉड्यूल मैं आपको चाहिए तो मॉड्यूल का नंबर्स भेज देता हूँ, ओके, आई विल सेंड यू द नंबर्स, मॉड्यूल का पेज नंबर एंड सम्स, जस्ट गो थ्रू देम, ओके, सिमिलर टाइप है, सॉल्यूशंस आई थिंक दिया हुआ है, हाँ सॉल्यूशंस तो सबका दिया हुआ है, सॉल्यूशन दिया हुआ है, जस्ट गो थ्रू करो, देखो आ रहा है कि नहीं, कैलकुलेट करके चेक करो सर आ रहा है कि नहीं, ठीक है, मॉड्यूल का सम नंबर का भेज रहा हूँ। और सुनो सुनो सुनो, BRS का एक क्वेश्चन बाकी है अपना, चौथे पेपर का, वो चाहिए विथ स्टेटमेंट आज शाम तक, ठीक है, इसका कुछ रिटर्न होमवर्क नहीं है। BRS का जो फोर्थ पेपर कौन सा बाकी है अपना, मार्च 2018 बाकी है, मई 2018 पेपर का आपको BRS करना है विथ स्टेटमेंट, ठीक है, तो रिटर्न में खाली वो है, बाकी मॉड्यूल में इसका सम्स में नंबर भेज रहा हूँ, वो गो थ्रू करना है, कुछ डाउट है तो मैसेज करो, अभी कुछ डाउट है तो रुको, अदरवाइज यू कैन लीव।